Hello guys and welcome back to Master Sumrit Education. Today what we are going to discuss is aggregate demand definition, aggregate supply definition, aggregate demand components, difference between aggregate demand and market demand, aggregate supply components. तो आज जो मैं बताने लगा हूँ वो है सिंपल ओरली बताने लगा हूँ, समझाऊँगा एक बार आपको. उसके बाद आपको क्या करना है, आपने कोई भी नोट्स, कोई भी बुक, चाहे संदीप गर्ग चाहे एनसीईआरटी, जो मर्जी बुक उठाओ, आपने बस एक बार रीड करना है, देन यू आर गुड टू गो. एंड द न्यूमेरिकल्स एंड द शेड्यूल एंड डायग्राम आई विल बी डिस्कसिंग विद यू इन नेक्स्ट वीडियो एंड आई एक्सप्लेन यू ऑन द बोर्ड और ऑन कॉपी. ओके, तो इस वीडियो में बस आपको समझाऊंगा एरिया डिमांड का होता है, एरिया सप्लाई का होता है, इसकी डेफिनेशन एक बार बता दूंगा आपको, कंपोनेंट्स का समझा दूंगा बस. तो शुरू करते हैं एरिया डिमांड से. पहले एरिया डिमांड की डेफिनेशन, व्हाट इज एरिया डिमांड. एरिया डिमांड इज़ द टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय ऑल द थ्री सेक्टर्स, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, ऑफ एन इकोनॉमी ड्यूरिंग अ गिवन अकाउंटिंग ईयर, वन ईयर फ्रॉम 1st April टू 31st March. नाउ वी विल ब्रेक दिस डेफिनेशन इनटू थ्री पार्ट्स. फर्स्ट, who produces this? The producers are all the three sectors, primary, that is agriculture, secondary, that is industries or manufacturers, third is tertiary, that is the provider of services, transportation, warehousing, education, etc. okay, jitne bhi tin sector ne kamaye hain, jitne bhi tin sector ne my products banaye hain aur ye products hum aage bechte hain, theek hai. uske baad definition ka second part hota hai ki ye kitne period ke liye valid hota hai. जितनी भी वैल्यू ऑफ गुड सर्विसेज है ये वैल्यू होती है एक अकाउंटिंग ईयर के लिए, यानी कि एक साल के लिए, एक फाइनेंशियल ईयर के लिए, फ्रॉम 1st April टू 31st March. उसके बाद ये जो एग्रीगेट डिमांड होती है वो कौन करता है, ये सारी की सारी इकोनॉमी करती है, और ये होती है सारी प्रोडक्ट सर्विसेज के लिए, कोई एक प्रोडक्ट सर्विसेज नहीं, सारी प्रोडक्ट सर्विसेज के लिए. तो जितनी भी डिमांड है, जितनी भी गुड सर्विस प्रोड्यूस हुई है, जितनी प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस किए तीन सेक्टर ने एक फाइनेंशियल ईयर में, एक इकोनॉमी के अंदर, वो होते हैं एग्रीगेट डिमांड. अब मैं आपको बताऊंगा मार्केट डिमांड क्या होती है. मार्केट डिमांड की डेफिनेशन कहती है, मार्केट डिमांड इज अ टोटल क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी डिमांडेड बाय ऑल द पर्सन्स इन एन इकोनॉमी ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम. ये होती है डिमांड ऑफ वन कमोडिटी, यानी कि एक कमोडिटी की. इट इज़ अ क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ वन कमोडिटी बाय ऑल द पर्सन्स ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम. तो अब डिफरेंस क्या होता है मार्केट डिमांड और एग्रीगेट डिमांड में. मार्केट डिमांड जो होती है वो होती है एक कॉमोडिटी के लिए, और जो एग्रीगेट डिमांड होती है वो होती है ऑल द कॉमोडिटीज, ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन द इकोनॉमी बाय ऑल थ्री सेक्टर्स, ठीक है. और मार्केट डिमांड जो प्रोड्यूस करती है वो होती है ऑल द फर्म्स, और जो एग्रीगेट डिमांड प्रोड्यूस करती है वो होती है फर्म्स जो तीनों सेक्टर की होती है, जितने सेक्टर हो सकते हैं पॉसिबल, ठीक है. उसके बाद होता है मार्केट डिमांड होती है कोई भी गिवन पीरियड टाइम के लिए, कोई स्पेसिफिक पीरियड टाइम नहीं होता. जैसे कि एग्रीगेट डिमांड होती है वन अकाउंटिंग ईयर, वन फाइनेंशियल ईयर, ठीक है, तो एक साल के लिए होती है. और जो मार्केट डिमांड होती है वो कोई भी गिवन स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम होती है, चाहे वो एक हफ्ता हो, चाहे वो एक महीना हो, चाहे वो एक साल हो, या एक साल से ज़्यादा भी हो सकता है. तो मार्केट डिमांड उसके लिए होती है, ठीक है. तो ये था मेन डिफरेंस मार्केट डिमांड और एग्रीगेट डिमांड के लिए. और सबसे बड़ा डिफरेंस ये होता है कि मार्केट डिमांड होती है एक कम्युनिटी के लिए, और एग्रीगेट डिमांड होती है ऑल द कम्युनिटीज के लिए, ठीक है. अब कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड, तो पहला कंपोनेंट एग्रीगेट डिमांड का सी, दूसरा जी, तीसरा आई, और चौथा है एक्स माइनस एम, सी प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, ठीक है, प्लस आई. चार कॉम्पोनेंट्स होते हैं. पहले सी, सी होता है कंजप्शन एक्सपेंडिचर, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर. ये होता है जो हम लोग करते हैं, यानी कि हाउस होल्ड यानी कि आम लोग, पब्लिक. ये जितना भी कंजप्शन एक्सपेंडिचर करते हैं वो करते हैं अपने गुड्स पे, जो फाइनल गुड्स होते हैं, कंज्यूमर गुड्स होते हैं. जैसे कि हो गया एक वीट प्रोड्यूस किए प्रोड्यूसर ने, जो उसने बाद में इंटरमीडिएट गुड्स बना के बेच दी एक मिलर को, मिलर ने उसको वीट पे कन्वर्ट किया, उसके बाद बेकर को बेचा, बेकर ने बनाई ब्रेड और हमें बेच दी. तो ब्रेड होगी वही फाइनल गुड्स, वो फाइनल गुड हम कंज्यूम करते हैं. तो फाइनल गुड जो कंज्यूम किया वो हमारे अंदर आती है इसके अंदर, हाउस होल्ड फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर. तो ये डिपेंड किस पे करता है, जितनी ज़्यादा हमारी इनकम होगी उतना हम ज़्यादा खरीदेंगे सामान, जितनी कम इनकम होगी उतना कम खरीदेंगे. तो इसका मतलब यह होगा कि जितनी ज़्यादा हमारी डिस्पोजेबल इनकम है, जितनी ज़्यादा डिस्पोजेबल इनकम होगी उतनी ज़्यादा होगी एग्रीगेट डिमांड, जितनी कम होगी डिस्पोजेबल इनकम उतनी कम होगी एग्रीगेट डिमांड. यानी इट डिपेंड्स ऑन द एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट डिमांड ऑफ द प्रोड्यूस बाय द हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर डिपेंड्स ऑन द डिस्पोजेबल इनकम ऑफ द हाउस होल्ड, ठीक है. अब सेकेंड है जी, जी मतलब कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर. गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर किस पे करती है, ब्रिजेस डैम्स बनाने में, ठीक है, या फिर हमारे कोई नेचुरल कैलेमिटी आएगी देश में तो उसमें उसने
जितने भी गुड्स फ्री बांटे लोगों को वो उसके अंदर ही आते हैं। एक देश में, हमारे देश देख लो इंडिया को, हमारे देश में कभी भी इतनी ज़्यादा कोई ऐसा साल नहीं रहा जब नेचुरल कैलमिटी ना आई हो। हर साल कोई नेचुरल कैलमिटी आती ही आती है, तो उसके लिए गवर्नमेंट एक स्टॉक बना कर रखती है कि अगर नेचुरल कैलमिटी आए तो हमें जो लोग इससे अफेक्टेड हैं उनको हमें गुड्स सर्विस देने पड़ेंगे फ्री में। उसके लिए जो एक्सपेंडिचर होता है गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, और उसके अलावा ब्रिजेस पे, डैम बनाने पे, और पब्लिक के लिए जो भी काम करती है वो सबको इसमें इंक्लूड करना होता है। तो ये डिपेंड करती है गवर्नमेंट पॉलिसी पे, हमारे ट्रेडिशनल पे, हमारे जो हमारे पॉलिटिकल कंडीशंस है उस पर डिपेंड करती है। जैसे 5 साल पहले थी एक्स गवर्नमेंट ने बनाए ब्रिजेस डैम्स, और अब है वाई गवर्नमेंट ने हमें नेचुरल कैलमिटी में हेल्प किया और डिस्ट्रीब्यूट किए फ्री में गुड्स एंड सर्विसेज। तो एक्स गवर्नमेंट की पॉलिसी अलग थी, वाई गवर्नमेंट की पॉलिसी अलग है। तो ये डिपेंड करता है गवर्नमेंट पॉलिसी, पॉलिटिकल कंडीशंस एंड ट्रेडिशंस। अब तीसरा है आई। आई का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, जो करती है प्राइवेट फॉर्म्स, गवर्नमेंट फॉर्म्स नहीं, पीएसयूज नहीं करती। पीएसयू यानी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, वो नहीं करती, प्राइवेट फॉर्म्स करती है। प्राइवेट फॉर्म्स जैसे होगी टाटा, बिरला, अंबानी की फॉर्म्स, रिलायंस होगी, टाटा हो गया, और अडानी ग्रुप हो गया, ऐसे ले लो एग्जांपल, ठीक है, जो गवर्नमेंट के नहीं है, पीएसयूज नहीं है, 51% ज़्यादा शेयर है प्राइवेट बंदे का। तो ये जो होता है वो होता है गवर्नमेंट में, ठीक है, और जो ये होता है वो होता है प्राइवेट में। जो इन्होंने करना है वो करना है प्राइवेट गुड्स को उन्होंने बाय करना है। प्राइवेट गुड्स कौन से होते हैं? सिर्फ कैपिटल गुड्स, जो प्रोडक्शन कैपेसिटी एनहेंस करते हैं, जैसे हो गए मशीनरी, बिल्डिंग, लैंड, जिससे हम और गुड्स को बना सकते हैं। तो जितने भी कैपिटल गुड्स खरीदनी होती है वो इतनी जल्दी नहीं खरीद सकते, क्योंकि उसके लिए जो अमाउंट ऑफ कैपिटल चाहिए वो बहुत ज़्यादा हाई होती है, बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए होता है। मशीनरी कॉस्ट इन लैक्स एंड समटाइम्स इन करोड्स, तो उनको लेना पड़ता है लोन, और लोन के बदले में देना पड़ता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, मे बी एनुअली, मे बी मंथली। तो जो इंटरेस्ट होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, वो डिपेंड, वो इसको इफेक्ट करता है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर को। जितना ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट होएगा उतनी कम डिमांड होगी, क्योंकि हमारे लिए कॉस्टली रहेगा, तो हम मशीनें कम खरीदेंगे तो डिमांड कम हो जाएगी। अब जितना कम रेट ऑफ इंटरेस्ट होएगा उतना हमारे लिए हो जाएगा चीप, उतनी ज़्यादा डिमांड बढ़ जाएगी। इसलिए जो डिमांड होती है, डिमांड थ्रू दिस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, वो होती है इंडायरेक्टली रिलेटेड टू द रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट इफेक्ट्स द एग्रीगेट डिमांड थ्रू इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट इज एक्स माइनस एम। तो ये जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान सुनना। एक्सपोर्ट्स होते हैं, वो होते हैं, पहले तो एक्सपोर्ट्स हम इंक्लूड क्यों करते हैं एग्रीगेट डिमांड में? ये तो हमने बाहर को भेजना होता है, पर ये जो हम बाहर को भेजते हैं, फॉरेनर्स ने हमसे गुड मांगे तो वो भी हमारे देश में प्रोड्यूस हुए हैं गुड, तो उन्होंने हमें मांगे हैं, हमने बेच दिए उनको, वो भी एक एग्रीगेट डिमांड का पार्ट है। क्यों? क्योंकि हमने प्रोड्यूस किया, हमने अपनी कंट्री में डोमेस्टिक में प्रोड्यूस किया और हमने फॉरेन कंट्री को बेचा, जो फॉरेन कंट्री वालों ने गुड्स डिमांड किए तो उन्होंने हमारी डिमांड बढ़ा दी, क्योंकि हमने तो गुड्स तो वही हैं, सेम नंबर है, 80 गुड्स थे, हमने 20 देने फॉरेनर्स को, तो 20 तो हमारे डिमांड का पार्ट ही है। अगर 100 गुड्स प्रोड्यूस किए तो 20 पार्ट है हमारे डिमांड का, इसलिए ही फॉरेन गुड्स को कंज्यूम कर, जो फॉरेनर्स गुड्स डिमांड करते हैं वो हम इंक्लूड करते ही करते हैं एग्रीगेट डिमांड में। तो अब ये एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स किस पर इफेक्ट करता है? ये हमारे इफेक्ट करता है, इसको इफेक्ट करता है हमारी फॉरेन करेंसी रेट। अब जितने ज़्यादा हमारा फॉरेन एक्सचेंज रेट होएगा, हमारी डोमेस्टिक करेंसी वैल्यू बढ़ गई, तो हमारे एक्सपोर्ट्स कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हमारे एक्सपोर्ट्स कम इसलिए होगी क्योंकि हमारे जो डोमेस्टिक गुड्स होंगे वो हो जाएंगे महंगे फॉरेनर्स के लिए, तो उनको बहुत पैसा खर्च करना पड़ेगा हमारे गुड्स खरीदने के लिए, इसलिए ऑब्वियसली वो हमारे गुड्स कम खरीदेंगे। इसलिए जितनी ज़्यादा डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू बढ़ेगी उतनी हमारी डिमांड कम हो जाएगी, जितनी हमारी डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू कम हो जाएगी उतनी हमारी डिमांड बढ़ जाएगी। हमारी डोमेस्टिक वैल्यू की, जैसे रुपये की वैल्यू होगी 50, डॉलर के टर्म्स में रुपये की वैल्यू होगी 50 से 40, तो डॉलर को हम, जो बाहर का बंदा उसको डॉलर से 40 रुपये, जो पहले वो 50 रुपये खरीदता था उसको अब 40 में पड़ेगा, तो उसके लिए सस्ता हो गया, ठीक है, उसका हमारे लिए सस्ता होगा। अगर हमारे पास 50 रुपये का पहले था रुपया डॉलर के टर्म्स में, अब 60 रुपये का हो गया, यानी उसके लिए हमारे सस्ता हो गया, तो उसके लिए हमारा माल सस्ता हो गया, तो हमारे हम ज़्यादा माल खरीदेगा, इसलिए हमारी एक्सपोर्ट बढ़ जाएगी। इसलिए द फॉरेन एक्सचेंज रेट इनडायरेक्टली इफेक्ट्स द डिमांड, एग्रीगेट डिमांड थ्रू द एक्सपोर्ट्स माइनस इम्पोर्ट्स। नाउ विल डिस्कस अबाउट एग्रीगेट सप्लाई, बट बिफोर दैट आई एम गोइंग टेल यू दैट एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट एक्सपेंडिचर। AD इज इक्वल टू AE कैसे होता है? हमने डिमांड की गुड्स की, जितने गुड्स हमने खरीदे वो सारे पार्ट होंगे एग्रीगेट एक्सपेंडिचर के, क्योंकि हमने गुड्स खरीदे। फॉर एग्जाम्पल मैंने खरीदे 3 TV खरीद लिए, ठीक है, उसके बदले मेरे को देना पड़ेगा पैसा, जो पैसा देंगे वो हमारा होगा कंजप्शन एक्सपेंडिचर, जो उसके लिए बनेगा
इनकम एग्रीगेट सप्लाई करने वालों के लिए, तो AD इज इक्वल टू AE हो गया, क्योंकि हमने जितने डिमांड की उसके बदले हमने दिए पैसे और वही पैसे बन गया एक्सपेंडिचर, कंजप्शन एक्सपेंडिचर, दैट इज़ वाई AD इज इक्वल टू AE. अब मैं बताऊंगा एग्रीगेट सप्लाई होता है. सो डेफिनेशन ऑफ एग्रीगेट सप्लाई, एग्रीगेट सप्लाई इज द टोटल क्वांटिटी ऑफ द कॉमोडिटी विच ऑल द प्रोड्यूसर्स आर विलिंग एंड एबल टू सप्लाई ड्यूरिंग अ वन फाइनेंशियल ईयर टू ऑल द सेक्टर्स. ठीक है, इसका मतलब हुआ जितने भी उन्होंने गुड्स प्रोड्यूस किए, हमने प्रोड्यूस किए, प्रोड्यूसर ने प्रोड्यूस किए, उन्होंने जितने भी गुड्स बेचने हैं वो सारे गुड्स बेचेंगे, वो होगा एग्रीगेट सप्लाई का पार्ट. जितने भी गुड्स बेचोगे आप उसके बदले में आपको मिलेगी इनकम, वही इनकम आपको देनी पड़ेगी, फैक्टर्स में डिस्ट्रीब्यूट करनी पड़ेगी. चार फैक्टर होते हैं, पहला होता है लैंड, दूसरा होता है लेबर, तीसरा होता है कैपिटल, चौथा होता है एंटरप्रेन्योर. जैसे कि आप सोचो कि मेरी इंडस्ट्री है, मैंने बनाई कार्स, तो मैंने कार्स बेची, हमारे पास रेवेन्यू आया, मैं वो एंटरप्रेन्योर, मैंने ले लिया प्रॉफिट, फर्स्ट फैक्टर इनकम होगी प्रॉफिट ऑफ एंटरप्रेन्योर. सेकंड, मैंने कुछ कार बनाने के लिए मेरे को लेबरर्स हायर करने पड़े, तो लेबरर्स को दिए मैंने पैसे, वेजेस एंड सैलरीज, तो वेजेस एंड सैलरीज होगी सेकंड फैक्टर इनकम. थर्ड मैंने लिया था रेंट देना पड़ा मेरे को, क्योंकि मैंने लैंड खरीदा था, क्योंकि मेरी फैक्ट्री खुद की नहीं थी, फैक्ट्री का रेंट देना पड़ेगा मेरे को लैंडलॉर्ड को, तो होगी थर्ड फैक्टर इनकम, रेंट ऑफ द लैंड. उसके बाद चौथा हो गया, मैंने कुछ पैसा उधार पे लिया था, क्योंकि इतनी बड़ी फैक्ट्री लगाना कोई आम बस की बात नहीं है. अगर यू आर अ सेटल्ड बिजनेसमैन, दैट इज़ व्हाई यू कैन यूज़ योर ओन इम्प्लिसिट कॉस्ट, बट इन दिस केस आई एम एज्यूमिंग दैट वी आर यूजिंग एक्सप्लिसिट कॉस्ट, दैट इज़ वी आर टेकिंग द कैपिटल फ्रॉम अदर पीपल, फॉर एग्जाम्पल बैंक और आर ओन रिलेटिव्स. ओके, तो हमने रिलेटिव से पैसे लिए, तो हम उसके बदले देना पड़ेगा इंटरेस्ट, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया हमारी चौथी फैक्टर इनकम. तो जितने हमारा रेवेन्यू मिला हमें अपने गुड्स एंड सर्विस को बेच के, वही रेवेन्यू हमारा डिस्ट्रीब्यूट हो गया डिस्पोजिशन फेज पे या डिस्ट्रीब्यूशन फेज पे, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया हमने, तो यही हमारा बन जाएगी नेशनल इनकम. क्योंकि हमारे पास सोचो 100 रुपये हमारे पास बने, 100 रुपये नहीं 1 लाख रुपये बने हमारे पास कार बेच के, हमारा प्रॉफिट जनरेट हुआ, हमने वही 1 लाख रुपया हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया आगे, और वो 1 लाख इनकम ऐड हो जाएगा हमारी नेशनल इनकम में. दैट इज़ वाई एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू नेशनल इनकम. अब एग्रीगेट सप्लाई के कॉम्पोनेंट्स होते हैं, देखो जी एग्रीगेट सप्लाई के कॉम्पोनेंट्स होते हैं दो, सी प्लस एस. सी वही हो गया जो एग्रीगेट डिमांड में था, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, और एस होता है सेविंग्स. सोचो मेरे पास इनकम है 100 रुपये की, 100 रुपये में से हमने 80 रुपये हमने किए कंज्यूम, जो 20 रुपये बचे हम क्या करेंगे उसका, हम करेंगे सेव, या तो बैंक्स में या तो हमने पास रखेंगे. तो ये हो गए दो कॉम्पोनेंट्स एग्रीगेट सप्लाई के. अब बाकी जो आगे चैप्टर बचा वो बढ़ गया शेड्यूल, और उसके डायग्राम बनाने पड़ेंगे, आपको बताऊंगा शेड्यूल कैसे बनाते हैं इजीली, और एज्यूम कराऊंगा आपको वैल्यूज़ कैसे लेते हैं, और डायग्राम बता दूंगा आपको सिंपली. तो ये तो हमारे बेसिक हो गए कंपोनेंट्स, उसके आपको बता दिया मैंने, एक्सप्लेन कर दिया. अगर आपको समझ आ गया तो अब आप जल्दी से जाके अपनी बुक पढ़ो, और जैसे ही आप बुक पढ़ोगे आई गारंटी यू दैट यू विल गेट इट वेरी इजीली एंड यू कैन लर्न इट वेरी इजीली. सो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपने फ्रेंड्स में शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि उनका भी बेनिफिट हो जाएगा. थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, बाय.